आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप नंबर टू। जैसा कि हम लोग पहले टाइप वन देख चुके थे, टाइप वन मेरा क्या था, सिंपल रूट था। टाइप वन मेरा क्या था, सिंपल रूट, मतलब डिनोमिनेटर में अगर सिंपल रूट प्रेजेंट होगा, जैसे कि एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन आपका क्या है, सिंपल रूट है। तो अगर सिंपल रूट प्रेजेंट होगा तो हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी सीख गए थे कि कौन कौन से मेथड से हम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास रिपीटेड रूट होगा, अगर मेरे पास कैसा रूट होगा, रिपीटेड रूट होगा, तो उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक, तो टाइप नंबर टू मेरा क्या है, रिपीटेड रूट। बोलिएगा सर, रिपीटेड रूट आपका क्या होता है? तो देखिए, अगर हम इसका रूट निकालें, इसका रूट अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा, रूट निकालिए। रूट मतलब क्या, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर जीरो करेंगे तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको अगर हम जीरो करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक, और अगर इसको जीरो करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वन कॉमा वन। अब देखिए, वन जो है ये आपका टू टाइम्स है ना, वन आपका कितना टाइम्स है, टू टाइम्स है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये रिपीट हो गया, वन जो रूट है वो दो बार आ गया, मतलब रिपीट हो गया। तो अगर रिपीटेड रूट मेरे पास होगा डेट मीन्स टाइप नंबर टू, तो उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इस वाले पार्ट को लेंगे, टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। सबसे पहले इसके पार्ट को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जो जो फैक्टर है यहाँ पे प्रेजेंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो पहला फैक्टर आपका कौन सा है, एक्स प्लस वन, इसको तो करने के लिए आपको सिखा चुके हैं ऑलरेडी कि अगर नीचे में पावर वन का अगर होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर में एक कम पावर का टर्म वहां पे लिखेंगे। तो उससे एक कम पावर क्या होता है, कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे, C1। ठीक, C1। इसके बाद प्लस साइन देंगे, डिवाइडेड बाई, अब आपको क्या लिखना है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, तो आप बोलेंगे सर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देते हैं। और जब x माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे तो पावर टू हो गया, नहीं ये आपका क्या हो गया, पावर टू हो गया। तो पावर टू मतलब इससे एक कम पावर नोमेटर में, मतलब पावर वन का हमको जनरल टर्म लिखना पड़ेगा नोमेटर में। तो पावर वन का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सपोज ए एक्स प्लस बी इस तरीके का जो होता है, तो पावर वन का जनरल टर्म होता है ना, तो C1 कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C2x प्लस C3 लिख सकते हैं। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पावर टू है ना, तो सबसे पहले पावर वन लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, पावर वन, उसके बाद क्या लेंगे, पावर टू। समझ में आया, पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर भी हम ले सकते हैं बट उसका एडवांटेजेस हमको नहीं मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, तो हम क्या करते हैं, x माइनस वन लेते हैं और x माइनस वन का होल स्क्वायर लेते हैं, ये दोनों टर्म हम साथ में लेते हैं। ठीक, और दोनों के टर्म के ऊपर में क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं C2 और यहाँ पे कांस्टेंट C3। अब कहेगा सर जो आप पिछले क्लास में बताया ये तो यहाँ पे गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, बोले थे कि सर नीचे में जितना पावर का अगर रहेगा उससे एक कम पावर का आपको न्यूमरेटर में रखना है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर पावर टू हो गया, उसके एक कम पावर तो पावर वन होता है, और पावर वन होगा तो यहाँ पे C2x प्लस C3 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इधर, x माइनस वन का होल स्क्वायर के बदले ही तो हम ये टर्म लिखे हैं ना, x माइनस वन के होल स्क्वायर के बदले में हम ये टर्म लिखे हैं। तो इस दोनों को अगर हम कंबाइंड करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा, एल से हम देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एल से हम लेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी टू इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा और प्लस सी थ्री आ जाएगा। अब चेक कीजिए कि न्यूमरेटर जो आपका बना, न्यूमरेटर जो आपको मिला उसमें पावर वन का इक्वेशन आया या नहीं आया। देखिए सी टू एक्स माइनस सी टू प्लस सी थ्री, ठीक। तो ये जो है आपका प्लस माइनस, ये जो आपका है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये जो आपका है ये आपका देखिए सी टू एक्स प्लस सी थ्री टाइप का है या नहीं, इस टाइप का है या नहीं, आ गया ना पावर वन वाला इक्वेशन, पावर वन वाला टर्म यहाँ पे आ गया ना न्यूमरेटर में। अगर नीचे में पावर टू रहेगा तो न्यूमरेटर में पावर कितना आ गया, पावर वन आ गया, ठीक। लेकिन अगर हम इस दो पार्ट को अलग अलग करके लिखते हैं तो हमको यहाँ पे सुविधा होता है और आगे हमको बहुत जो पर्पस से हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं वो पर्पस मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप x माइनस वन का होल स्क्वायर लिखते हैं इस तरीके से, x माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं एंड सी टू एक्स प्लस सी थ्री लिखेंगे, तो फिर आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन का जरूरत पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर आप अलग अलग कर देंगे तो आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। ये सब चीज हम आगे सीखेंगे जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और लाप्लास समथिंग जो भी आपको पढ़ना है, जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम ये सब चीज अच्छे तरीके से सीखेंगे कि हाँ इसका अगर हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो सच में इसका एडवांटेजेस है, और अगर इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने का हमको जरूरत पड़ेगा। सो आपको क्या करना है कि दोनों को अलग अलग करके लिखना है। अब इसमें यह आता है कि सर अगर रिपीटेड है, रिपीटेड मतलब टू, आप एग्जाम्पल लिए यहाँ पे तो हम एग्जाम्पल थ्री का भी ले सकते थे, मतलब पावर थ्री भी हो सकता था, पावर फोर भी हो सकता था, पावर फाइव भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो मान लेते हैं कि पावर फोर है, पावर फोर है, तो हम क्या करेंगे, पावर वन से स्टार्ट करेंगे, पहले पावर वन लेंगे फिर पावर टू लेंगे फिर यहाँ पे क्या लेंगे एक्स माइनस वन पे पावर थ्री, फिर क्या लेंगे एक्स माइनस वन पे पावर फोर, ठीक। मतलब वन से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक जाना है, जितना पावर यहाँ पे पावर फाइव रहेगा, पावर वन पावर टू पावर थ्री पावर फोर पावर फाइव, ठीक। तो यहाँ पे पावर टू था तो इसलिए पावर वन से पावर टू पे गए। और सबके न्यूमरेटर में क्या रखना है, सबके न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट वैल्यू रखना है, सी फोर सी फाइव सी सिक्स, सभी के न्यूमरेटर में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, सी फोर सी फाइव सी सिक्स, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अगर पावर टू होगा तो क्या करेंगे, पावर फोर होगा तो क्या करेंगे, पावर टेन होगा तो क्या करेंगे। अब आता है कि सर अब इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सी वन सी टू सी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ठीक। तो मेरे पास तीन मेथड है, मेरे पास तीन मेथड है, और तीनों मेथड का जो मेथड को यूज करने से कॉन्स्टेंट आसानी से निकल जाएगा हम उसी मेथड का हम यहाँ पर यूज करने वाले, ठीक। और आप देखेंगे कि कितना आसान तरीके से सी वन सी टू सी थ्री मिल जाएगा, बहुत आसान तरीके से। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले सी वन पे, ठीक, सी वन पे। तो अगर सी वन को अगर हम देखें तो सी वन के नीचे में क्या है, सिंपल रूट प्रेजेंट है, सी वन के नीचे में क्या है, सिंपल रूट प्रेजेंट है, ठीक। तो अगर मेथड नंबर वन का अगर हम बात करें, मेथड नंबर वन का अगर हम बात करें तो उसमें हम एलसीएम लिए थे, जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपको तीन वेरिएबल का मिलेगा ना इक्वेशन, तीन वेरिएबल के इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके सी वन सी टू सी थ्री मिलेगा, लिटिल बिट डिफिकल्ट और कहिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये तीन वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक। मेथड नंबर टू पे अगर हम आते हैं तो मेथड नंबर टू मेरा क्या था, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका था, वहां पे हम क्या कर रहे थे कि नीचे वाला जो फैक्टर था उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसको इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स फाइंड आउट कर रहे थे, और उसे एक्स का वैल्यू हम पुट कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। तो C1 को अगर फाइंड आउट करना होगा, टू फाइंड C1 यूज मेथड नंबर वन, सॉरी मेथड टू, यूज मेथड टू, ठीक। तो मेथड टू में C1 कैसे निकालते हैं, C1 निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, और x प्लस वन इजिकल टू जीरो पुट करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला जो भी टर्म जीरो हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा सी वन। तो सी वन इज इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, टू अपॉन
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। देखिए ये वाला चीज हम आपको सिखा चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लेंगे और वहां से आप चेक कर लेंगे, हाँ सीवन का वैल्यू ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक। तो सीवन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू अपॉन माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, कितना हो गया माइनस टू का स्क्वायर फोर, मतलब वन बाई, सीवन कितना मिल गया वन बाई टू। अब बोलिएगा सर अगर सी टू फाइंड आउट करना होगा, अगर सी टू फाइंड आउट करना होगा क्या हम यही वाला मेथड यूज कर सकते हैं, लेटेस्ट चेक चेक करते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है। तो सी टू अगर फाइंड आउट करना होगा, सी टू फाइंड आउट करना होगा, टू फाइंड सी टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन बोथ साइड एंड पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन, तो क्या मिलेगा देखिए इधर। जब हम ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए इधर, टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी टू इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी थ्री इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन का, ठीक है। तो देखिए तो कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर आपका बच जाएगा, यहां पे आपका क्या होगा, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर पावर आपका बच जाएगा। अब बताइए हमको कितना पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू वन, कितना पुट करना है एक्स इज इक्वल टू वन। जब आप एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जब आप वन पुट करेंगे यहाँ पे और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट जीरो होने का मतलब क्या हो गया, ये क्वांटिटी आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट मीन्स हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर सी टू फाइंड आउट करना होगा तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर से एक सॉरी एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करके एक्स इज इक्वल टू वन पुट नहीं कर सकते, दैट मीन्स मेथड नंबर टू जो हुआ वो आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा, सी टू फाइंड आउट करने के लिए मेथड नंबर टू का हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, सी टू को हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं सी थ्री पे, आप देखेंगे कि सी थ्री में हम लोग मेथड नंबर टू अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो जब सी थ्री में अगर हमको अप्लाई करना होगा मेथड नंबर टू तो क्या करना होगा, नीचे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इधर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया, एक पावर आपका कैंसिल आउट हो गया, एक पावर आपका बच जाएगा और यहाँ पे आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक। अब अगर हम एक्स इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिलता है, वन मिलता है। अब हम अगर एक्स इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर पार्ट कहीं पे जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर पार्ट आपका कहीं पे जीरो नहीं होगा और नोमिनेटर वाला पार्ट में सी वन जीरो हो जाएगा, सी टू आपका क्या हो जाएगा जीरो, मतलब ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ सी थ्री बचेगा, बचेगा क्या सिर्फ सी थ्री बचेगा। तो जब सी थ्री बचेगा तो सी थ्री का वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक। तो टू फाइंड सी थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बोथ साइड एंड पुट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन। तो
आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है टर्म वही तो वैल्यू आपको देगा C3 का, तो उसमें से x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C3 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन x प्लस वन एट x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक। तो ये वैल्यू आपको मिल गया, C3 का वैल्यू कितना मिला 1, C1 का वैल्यू कितना मिला 1/2। अब बोलिएगा सर C2 जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक। तो C2 को फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए C1 मिल चुका है, C3 मिल चुका है, C1 मिल चुका है और C3 मिल चुका है, ठीक। तो इसका वैल्यू तो आप पुट कर सकते हैं ना, C1 C3 का वैल्यू। अब उसके बाद बचेगा क्या, सिर्फ C2 बचेगा, बचेगा क्या, सिर्फ C2 बचेगा। C2 निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक सिंपल सा वैल्यू, कोई भी एक सिंपल सा वैल्यू इस रिलेशन में हम लोग पुट करेंगे, कोई भी एक सिंपल सा वैल्यू एक रिलेशन में पुट करेंगे सच दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स C2 फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं, इसको तो हम समझाने के लिए आपको लिखे थे, ठीक है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, टू फाइंड C2 यूज मेथड टू, ठीक। मेथड टू में क्या करते हैं हम लोग, पुट x इज इक्वल टू 0 बोथ साइड, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा वैल्यू कौन सा ले लिए, x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ये 1 साइड इन रिलेशन 1, इन रिलेशन 1, रिलेशन 1 में हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने से क्या मिलेगा आपको, 2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, C1 का वैल्यू कितना मिला है 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, C2 फाइंड आउट करना है 0 माइनस 1 प्लस, C3 का वैल्यू कितना मिला है 1 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो कितना मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे 2 मिलेगा, 2 इज इक्वल टू 1/2/2 1/4 प्लस, ये आपका माइनस हो जाएगा, -C2 प्लस 1, ठीक। C2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए, तो C2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4 -2, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/4 कितना हो गया 1.25, और -2 कितना हो गया -0.75, और हम लोग लिख सकते हैं -3/4, -3/4, तो ये आपका क्या हो गया, C2 हो गया, ठीक। तो C1 का वैल्यू आपको मिला 1/2, C2 का वैल्यू मिला, सॉरी C2 का वैल्यू -3/4 एंड C3 का वैल्यू क्या मिला 1, C3 का वैल्यू क्या मिला 1। तो ये आपको समझ में आ गया, तो आपको एक चीज यहां से क्लियर हुआ कि अगर मेरे पास पार्शल फ्रैक्शन हमको करना होगा तो हम आंख बंद करके मेथड नहीं यूज करेंगे, आंख बंद करके हम मेथड यूज नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा मेथड यूज करेंगे तो आपका कांस्टेंट जो है जल्दी निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, ठीक। और मेरे पास तीन तीन मेथड है, तीन तीन मेथड है, जहां पे जो हमको जरूरत होगा वो मेथड हम लोग यूज करेंगे। आगे जब हम लोग टाइप नंबर 3 हम जब पढ़ेंगे तो टाइप नंबर 3 में भी हम वहां पे आपको सिखाएंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड अगर यूज किया जाए, कौन सा मेथड यूज किया जाए सच दैट मेरा जो कांस्टेंट वैल्यू हो वो जल्दी से निकल जाए।
ठीक, आंख बंद करके हमको कोई भी मेथड यूज नहीं करना है। हम इसीलिए आपको तीन तीन मेथड सिखाए हैं, हर जगह पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर ये वाला मेथड यूज करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, सेकेंड मेथड यूज करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। ठीक, तो ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए। और जब हम मेथड नंबर सॉरी जब हम टाइप नंबर थ्री देखेंगे तो टाइप नंबर थ्री में आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक, अब इसमें आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क आप लोग ट्राई करेंगे और हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू का होल क्यूब। यहाँ पे पावर थ्री है, हम पावर टू लेके समझाए थे, सॉरी एफ ऑफ तो इसका देखिए, इसमें आपको हम बता देते हैं सी वन बाई एस प्लस वन लिखना है, प्लस सी टू बाई एस प्लस टू प्लस सी थ्री बाई एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी फोर बाई एस प्लस टू का होल क्यूब। तो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना, मतलब इस तरीके से आपको ब्रेक करना, उसके बाद आपको सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, और ये आप लोगों का लास्ट क्लास था डेमो का। इसके बाद अगर आप लोग को मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, और जिस तरीके से हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट किए आपको जोर समझ में आया होगा। और अब मेरा विश्वास है कि आपको ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका सीखने का तरीका आपको जरूर अच्छा आया होगा, जरूर पसंद आया होगा। ठीक, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जो आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लिए इससे आपका इंटीग्रेशन का कुछ सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ऑलरेडी जब हम इंटीग्रेशन पे आएंगे तब कहेंगे ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप वहां से आप उसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर देंगे। ठीक, तो ये चीज आप इसलिए हम बताए पार्शियल फ्रैक्शन हम इसलिए कवर किए क्योंकि इंटीग्रेशन में हो गया, लप्लास ट्रांसफॉर्म में हो गया, आगे इसका बहुत यूज है, और जब वहां पे आएगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और आपको सच में विश्वास नहीं हुआ कि हम एक्चुअली पढ़ तो रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन मेरा चैप्टर कवर हो रहा था किसका, इंटीग्रेशन का। आप देखेंगे जब इंटीग्रेशन हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि ये जो पार्ट ये जब पार्ट आएगा ये जो सेक्शन आएगा इस टाइप का, जब इंटीग्रेशन हमको करना होगा तो कितना इजिली हो जाएगा। ठीक, तो जो भी है हम जो कहें आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगे पसंद आया क्लास तो आप लोग ज्वाइन करेंगे जल्द से जल्द, ताकि आप लोग का क्लास मिस ना हो सके, आपका कॉन्सेप्ट भी आपका रेगुलर मेंटेन रहे। ठीक, और अगर ये चीज समझ में आया हो आप लोग को तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे कि मैथमेटिक्स क्लास हम भी पढ़ा रहे हैं और शायद दूसरों के कंपैरिजन में कुछ बेटर आपको सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।